हेलो फ्रेंड्स, हेलो जी, हेलो एंड वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे हैं। एमसीक्यूज की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं और एमसीक्यूज में आज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। कायदे से ये होना चाहिए था कि मेरे को एग्रीकल्चर इनकम के क्वेश्चंस अलग करवा देने चाहिए थे और बाकी की एग्जेम्प्टेड इनकम्स हमें अलग कर लेना चाहिए था। बट देन जैसे सी इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर एग्जेम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, तो मैंने भी एक ही चैप्टर में दोनों को कंपाइल कर दिया है और उनके एमसीक्यूज हम अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं और मज़ा आने वाला है। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में टैक्स कैलकुलेशन के सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम्स एंड एग्रीकल्चर इनकम, जिसके अंदर एमसीक्यूज काफ़ी सारे दिए हुए हैं और अच्छे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? पहले एमसीक्यू में एग्जामिनर पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द सिक्किमिस इंडिविजुअल। अब सिक्किम इंडिविजुअल के बारे में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा बताया था। 1970 का दशक, 1975, जब सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम वॉज अर्लियर वन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आज भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन हम लोग एज एन इंडियन हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं भूटान को। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया करते थे सिक्किम को, एंड सिक्किम वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बट देन इन 1975 सिक्किम में एक रेफरेंडम हुआ। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, रेफरेंडम, एक रेफरेंडम हुआ और उसकी वजह से सिक्किम का राजा जो है, दे डिसाइडेड टू मर्ज विद इंडिया। और जब वो मर्ज हुआ तो फिर मर्ज होने से पहले बहुत सारे उनको प्रोमिसज किए गए थे, जिनमें से एक प्रॉमिस ये था कि हम सिक्किम के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये वादा पूरा हुआ जब हम लोगों ने 1975 में सिक्किम के लोगों के ऊपर टैक्स की एग्जेम्प्शन दे दिया। फिर इस वादा खिलाफी, ये इस वादे की वादा खिलाफी भी हुई 1989 में, जब 1989 की गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्प्शन विड्रॉ कर लिया। देन 2004 मेरे को जो हल्का सा याद आता है, दैट वॉज वेन मिस्टर चिदम्बरम बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम, एंड ही देन इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 ट्रिपल ए, वेयर बाय ही एग्जेम्प्टेड द इनकम्स ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम ओरिजिन। लेकिन उसमें शर्तें हैं। शर्त यह है कि सिक्किम के इंडिविजुअल की इनकम एग्जेम्प्ट होगी। कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? जो भी इनकम उन्होंने सिक्किम के अंदर कमाई है वो सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, चाहे अब वो सैलरी से कमाई जाए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, बिजनेस की इनकम हो, कैपिटल गेन्स की इनकम हो, अदर सोर्सेज की इनकम हो, पांचों हेड्स की इनकम एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अगर वो सिक्किम के अंदर कमाई गई है तो। और दूसरा ये था कि सिक्किम के बाहर अगर कोई इनकम कमाई गई है और वो इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के नेचर की है या डिविडेंड के नेचर की है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, बैंक एफडीज़ का इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हम लोग, कोई लोन दे दिया उसके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट, और साथ में डिविडेंड्स जो शेयर्स के ऊपर या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आता है, इन इनकम्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इसका फिर एक एक्सेप्शन केस है, अगर कोई सिक्किमिस इंडिविजुअल फीमेल है और अगर उसने किसी नॉन सिक्किम ओरिजिन के मेल के साथ शादी करी है, तो ये जो सिक्किमिस ओरिजिन की जो फीमेल है उसका एग्जेम्पशन नहीं होगा, उसको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। दिस हैज़ बीन डन टू प्रिजर्व कि जो सिक्किम की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो सिक्किम के अपने कल्चर्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए वाला कदम उठाया गया था बाय मिस्टर चिदम्बरम इन द ईयर 2008। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, 2008 में ये फीमेल वाला कंसेप्ट था और 2004 में सिक्किम को एग्जेम्प्ट किया गया था, और उससे पहले का बैकग्राउंड वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर डिस्कस करी थी तो सोचा एक बार रिपीट कर दूं, तो मैंने आपके साथ ये रिपीट कर दिया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रहती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स याद रहते हैं, तो सेक्शंस को कभी रटना नहीं पड़ता। तो सेक्शन, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमारे पास जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा? आंसर में लिखा हुआ है,
ओनली इनकम फ्रॉम एनी सोर्स विद इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ऑब्वियसली बात है ये वाली इनकम तो एग्जेप्ट रहेगी रहेगी, कोई इसमें इशू ही नहीं है। ओनली इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, हाँ ये भी एग्जेप्ट रहेगा। ओनली इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज, हाँ ये वाला भी ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिविडेंड और सिक्योरिटीज वाला पॉइंट है ये हो सकता है एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, ये पूरा का पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हो सकता है, और सिक्किम के अंदर कोई भी इनकम हो सकती है, 5 हेड्स है 5 हेड्स की इनकम, ये सब कुछ एग्जेप्ट है। तो इसका मतलब ए भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल इनकम्स गिवन अबव विल बी एग्जेप्ट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ सिक्किम्स ओरिजिन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 AAA। देन हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जो कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेट करता है। ये कहता है इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। अब फार्म बिल्डिंग से कौन सी इनकम आ सकती है? मैंने क्लासेस के अंदर भी आपको ये बात समझाई थी कि फार्म बिल्डिंग से आपको इनकम आ सकती है रेंट की, रेंटल इनकम आपको आ सकती है फार्म बिल्डिंग से। लेकिन फार्म बिल्डिंग की इनकम को एग्जेम्प्ट करना है उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है जो फार्म बिल्डिंग है दैट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द एग्रीकल्चर लैंड और इन द विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा है कि दैट फार्म बिल्डिंग शुड बी यूज आइदर एज अ स्टोर हाउस और एज अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ टेम्परेरी स्टे। और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि ये जो फार्म बिल्डिंग है ये एक ऐसी जमीन के ऊपर बनी हो जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कोई लोकल टैक्स चार्ज करती हो, लैंड रेवेन्यूज वगैरह चार्ज करती हो, और अगर नहीं तो फिर वो ज़मीन जो है वो अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इनकम जो फार्म बिल्डिंग की इनकम है उसे एग्रीकल्चर इनकम आते हुए एग्जेम्प्ट करते रहेगा। नाउ यहाँ पे इन्होंने फार्म बिल्डिंग से रिलेट करते हुए ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है, जरा इसको ध्यान से पढ़ेगा। इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि फार्म बिल्डिंग इज इन द विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, विसिनिटी का मतलब आसपास का एरिया। विच इज नॉट एसेस टू अ लैंड रेवेन्यू, नॉट एसेस टू लैंड रेवेन्यू का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई लोकल टैक्स चार्ज नहीं करती है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लोकल टैक्स चार्ज नहीं करती है तो फिर ये जमीन कहाँ पे होनी चाहिए? अब ये जमीन अर्बन एरिया में ना होके रूरल एरिया में होनी चाहिए। और रूरल एरिया के लिए आप सबको याद है मैंने आपको पिक्टोरियली डायग्राम्स बड़े अच्छे से बना के दिखाए थे, समझाया था कि रूरल एरिया क्या होगा और अर्बन एरिया क्या होगा। सो यहाँ पे उसी सारी चीज़ों को आपने रिकॉल करना है। एग्जामिनर कहता है इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम इफ सच लैंड इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया की डेफिनेशन हम सबको याद है। रूरल एरिया की डेफिनेशन में पहले पॉइंट में कहता है एन एरिया एट द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 80,000 एज पर द लास्ट सेंसस। तो यहाँ पे बात हो रही है 3 किलोमीटर्स, आपको याद है हमारे पास जो स्लैब्स आते हैं वो आते हैं 2, 6 और 8। तो 2 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर कोई एरिया है और जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम की आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सॉरी 10 लाख से कम की आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रूरल एरिया है। सो दिस इज़ अ रूरल एरिया। ये बात हम लोगों को समझ आ गई। और यहाँ से आने वाली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेप्ट रहेगी, टैक्सेबल नहीं होगी। तो आंसर हमारा ए पॉइंट तो हमारा ए का हो सकता है। दूसरा एन एरिया विद इन द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 12,000। लो जी 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया कहलाता है। तो ये दिस इज एन अर्बन एरिया। नेक्स्ट आ जाओ एन एरिया विद इन द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 11 लाख। 11 लाख की पॉपुलेशन है फिर तो वैसे ही अर्बन है, फिर तो वैसे ही अर्बन एरिया है। एन एरिया विद इन 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 10,50,000। लो जी ये भी 10 लाख से ज़्यादा है, ये भी अर्बन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रूरल एरिया है वो रूरल एरिया सिर्फ पॉइंट ए में है। इस वजह से पॉइंट ए का जो भी हमारे पास
इनकम आएगी वो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होने वाला है। ठीक, तो दिस इज 52। 53 पे आ जाओ। एग्जामिनर कहता है फॉर द करंट असेसमेंट ईयर मिस्टर हरी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल अर्न्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट इंडियन अर्न्स, रेसिडेंट इंडियन अर्न्स 10 लाख रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। तो अगर रबर प्लांटेशन है और इंडिया में है तो ऐसे केस में आप सबको याद होना चाहिए कि हम लोग रूल नंबर 7A अप्लाई करते हैं और रूल नंबर 7A कहता है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसका 35% विल बी रिगार्डेड एज योर एग्रीकल्चर इनकम, उल्टा बोल गया, 35% इज योर बिजनेस इनकम एंड 65% इज टू बी रिगार्डेड एज योर एग्रीकल्चर इनकम। तो इन इंडिया है 35% विल बी द बिजनेस इनकम, 65% विल बी द एग्रीकल्चर इनकम, आगे की बात। एंड 15 लाख रुपए फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द लेटेस्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया। लो जी, यहाँ पे मलेशिया आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे मलेशिया लिखा हुआ है तो रूल नंबर 7A अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडिया लिखा हुआ था, इस वजह से रूल नंबर 7A अप्लाई होगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स अगर ये इंडिया नहीं है मलेशिया है तो 15 लाख रुपए का 100% टैक्सेबल होगा। हमने ऐसे ही किया हुआ नीचे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ, 15 लाख का पूरा 100% इंडिया में टैक्सेबल होगा। और जो हमारे पास 10 लाख की इनकम थी उस 10 लाख की इनकम में से 35% विल बी द बिजनेस इनकम जिसको हम लोग इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। तो 10 लाख का 35% कब सू 3.5 लाख रुपये। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, व्हाट वुड बी द बिजनेस इनकम व्हिच विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया अज्यूमिंग दैट ही हैज नो अदर बिजनेस इनकम। ये मानते हुए कि इसकी कोई और इनकम नहीं है तो इसकी बिजनेस इनकम कितनी होगी ये बताना है आपने। तो 15 लाख रुपए मलेशिया का और इंडिया का जो इनकम है उसमें से 3.5 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल, तो टोटल विल बी 18,50,000 रुपए। 18,50,000 रुपए का आंसर देख लीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दीज आर द काइंड ऑफ एमसीक्यूज जो कि आपके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से ब्रशअप करते हैं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से ब्रशअप हो जाते हैं। एंड व्हाट आई सीरियसली बिलीव पर्सनली, मे बी आप मेरे से एग्री करें शायद ना करें, और अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर लिखिएगा या मेरे को व्हाट्सएप पे बताइएगा कि साहब किसी भी मैराथन से बेटर हमारे ये वाली क्लासेस हैं जहाँ पे आपके टॉपिक्स ब्रशअप हो रहे हैं। अदरवाइज जो थ्योरेटिकल मैराथन्स होते हैं उसमें इतना ब्रशअप नहीं हो पाता जितना ये एमसीक्यूज आपको ब्रशअप कर देंगे। देन आइए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। कहता है मिस सौम्या हैज 3 फार्म बिल्डिंग्स सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर लैंड। 3 फार्म बिल्डिंग्स हैं और इमीडिएट विसिनिटी ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड में है, तो यहाँ पे लिख दिया रूरल लैंड है तो वो चक्कर ही खत्म, ढूंढो कि रूरल है या अर्बन है, वो तो चक्कर ही खत्म हो गया। रूरल है लिख दिया, इमीडिएट विसिनिटी है ये भी लिख दिया और 3 फार्म बिल्डिंग्स हैं। इन द करंट असेसमेंट ईयर 23-24 शी हैज अर्नड 3 लाख रुपीज फ्रॉम लेटिंग आउट हर फार्म बिल्डिंग 1 फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फार्म बिल्डिंग 1 है जहां से 3 लाख रुपए की इनकम आ रही है उसको यूज किया जा रहा है फॉर अ स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन। 10 लाख रुपए इज फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हर फार्म बिल्डिंग 2 फॉर द स्टोरेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। 10 लाख रुपए आ रहे हैं बिल्डिंग 2 को लेट आउट किया फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। नाउ वेदर द डेयरी प्रोडक्ट्स इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आंसर इज नो। For tax purposes, dairy products are not to be regarded as an agriculture activities, agriculture products. That is the reason, ये जो 10 लाख रुपए का amount है, this is not to be exempt, this will be taxable, आप इसे exempt नहीं करेंगे, मैं इसे taxable करूँगा। Moving on, वो कहता है 15 लाख रुपए from letting out of the farm building number 3 for the residential purposes to Mr. Sumant, whose food grade produce is stored in farm building number 1. What would be the agriculture income which will be exempt from income tax? So, आपसे examiner पूछ रहा है कि कितना पैसा exempt होगा ये बता दीजिए। मेरे बेटा, farm building से आने वाली income, rental income exempt होती है अगर farm building को use किया जा रहा हो for storehouse, as a storehouse, या फिर उसको use किया जा रहा हो as a dwelling house.
लेकिन स्टोरिंग क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स की स्टोरिंग करी है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनिशियल 3 लाख रुपए है ये एग्जम्प्ट है, उसके बाद हमारे पास ये जो 15 लाख रुपए आ रहा है ये भी एग्जम्प्ट है, और ये जो 10 लाख रुपए आ रहा है ये 10 लाख रुपए टैक्सेबल है। तो अगर एग्जामिनर कह रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट बता दो तो 10 लाख रुपए, अगर एग्जामिनर कह रहा है कि एग्जम्प्ट अमाउंट बता दो तो 3 ये वाला 15 ये वाला टोटल 18 लाख रुपए एग्जम्प्ट है। एग्जामिनर कहता है कि एग्जम्प्ट कितना है ये बता दो, 18 लाख रुपए मेरा आंसर आ गया, 18 लाख रुपए एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट बन जाएगा। और नीचे मैंने उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन के साथ हर चीज़ का मैंने आपको रीज़न भी लिख के दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले यू शुड एंड यू मस्ट अप्रिशिएट दैट दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मटीरियल फॉर योर CA स्टडीज अक्रॉस इंडिया। इतना कॉम्प्रहेंसिव जहाँ पे MCQs के आंसर्स के साथ तो उसका सोल्यूशन भी दिया हो, इतना कॉम्प्रहेंसिव मटीरियल आई बेट यू विल नॉट गेट एट एनीवेयर अदर देन माई क्लासेस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 55, MTP 1 मई 2019 का और RTP मई 2019 का। तो मई 2019 के RTP में भी ये क्वेश्चन आया और MTP के अंदर भी ये क्वेश्चन आया। एग्जामिनर क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। एग्जामिनर कहता है कि मिस्टर देवांश हैज एन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 230,000 रुपीज, एग्रीकल्चर इनकम 230 का है एंड अ बिजनेस इनकम ऑफ 245। तो एग्रीकल्चर इनकम 230, बिजनेस इनकम इज 245, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, एग्रीकल्चर इनकम हैज टू बी एग्रीगेटेड विद द बिजनेस इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस। वो कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम को बिजनेस इनकम के साथ ऐड कर देना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। मैं कहूँगा ना, बिल्कुल मत करना, ये टैक्स ऐड नहीं होगा। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं होगा, तो उसके पीछे रीज़न भी बड़ा आसान है। ऐड करने की दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। पहली शर्त यह है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, नेट एग्रीकल्चर इनकम है, वो 5,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है, हमारी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है, 2,30,000 रुपये है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम 245 है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। इस वजह से एग्रीगेशन वाला कंसेप्ट या प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, नो एग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड सिंस एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। वो कहता है एग्रीकल्चर इनकम की जरूरत, ये एग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। भाई ये कंडीशन भी नहीं होती है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए होता है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। थर्ड, नो एग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड सिंस द बिजनेस इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। एंड देन डी पॉइंट पे आइए, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 बट द सेम हैज टू बी एग्रीगेटेड विद द बिजनेस इनकम सिंस इट एक्सीड्स 5,000 रुपीज। ठीक बात है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है लेकिन ये पार्शली करेक्ट है क्योंकि आपने सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम नहीं देखना, आपके साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी देखना है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कोई बात इस स्टेटमेंट में नहीं हो रही है, इस वजह से इस स्टेटमेंट को मैं करेक्ट नहीं कह रहा हूं। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी। डी पे आ जाए, डी पे आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाए, 56 पे आ जाए। मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 2019 का, 2 नंबर का क्वेश्चन था मॉक टेस्ट में। कहता है एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स विच आर ग्रोन इन नर्सरीज इज एन एग्रीकल्चर इनकम विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। 100% ठीक है। मिस्टर चिदाबरम का इंट्रोड्यूस किया हुआ अमेंडमेंट मेरे ख्याल से 2007 या 2008 का अमेंडमेंट है, जहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन ऐड किया था चिदाबरम साहब ने, और उसके अंदर कहा
कि नर्सरीज की इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स इज टू बी डीम्ड एज एन एग्रीकल्चर इनकम विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट. सेकेंड, 60% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन अ टी कंपनी इज एन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. रमेश, बकवास. अगर हम लोग टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो टी का जो बिजनेस है वो टी बिजनेस का प्रॉफिट का 60% 40% करते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वो तो 100% टैक्सेबल होता है. डिविडेंड के ऊपर आपने 60% 40% थोड़े ना लगा रहा है, और ना ही आपने शेयर होल्डर का जो मतलब वो जो इम्प्लॉयज़ है इम्प्लॉयज़ की सैलरी को आपने एग्जेप्ट करना है. तो इम्प्लॉय की सैलरी अगर होती वो भी 100% टैक्सेबल है, वहाँ पे भी आप 60-40 नहीं करेंगे, और शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो भी 100% टैक्सेबल है, वहाँ पे भी आप 60-40 का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे. तो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट आइए, while computing the income tax liability of the SSE age 50 years, agriculture income is required to be added to the total income only if net agriculture income for the year exceeds 5000 rupees. Net agriculture exceeds 5000 rupees, theek hai, and the total income including net agriculture income exceeds 250000 rupees. Galat hai. Jab aap total income calculate karte hain to uske andar agriculture income to exempt hota hai. एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड थोड़ी ना करना है, एग्रीकल्चर इनकम को तो आपने एक्सक्लूड करना है. तो ये पॉइंट नंबर 3 भी आपका गलत है. पॉइंट नंबर 4, व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी एज 50 इयर्स, एग्रीकल्चर इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द टोटल इनकम ओनली इफ नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द ईयर एक्सीड्स 5000 रुपए, ठीक है, एंड द टोटल इनकम excluding the net agriculture income exceeds 250000 पे. ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप 250000 की लिमिट देखते हैं तो उसके अंदर आप एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट रखते हैं, उसको आप इंक्लूड नहीं करते. तो एज पर मी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट. दो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, 1 और 4 का मतलब हो गया आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर. देन मॉक टेस्ट नवंबर 2019 का एक नंबर का क्वेश्चन था. एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर फुली एग्जेम्प्ट इनकम्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. कौन सी इनकम फुली एग्जेम्प्ट है, वो ये पूछ रहा है फुली एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी है ये बताओ. पॉइंट ए, अलाउंस विच इज पेड टू द गवर्नमेंट पेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया. बिल्कुल 100% ठीक की बात कर रहा है. अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, अगर वो गवर्नमेंट डिप्लॉय है और इंडिया से बाहर काम कर रहा है, तो इंडिया से बाहर काम करने पे जो भी अलाउंसेस जो भी परक्विजिट्स बनेंगे वो एग्जेम्प्ट रहेंगे. सेक्शन यूज होगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 7. अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स हैज टू बी एग्जेम्प्ट, सैलरी टू बी टैक्स्ड. नेक्स्ट, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट इंप्लॉई. बिल्कुल ठीक है, ग्रेचुटी का अगर हम लोग पैसे की बात करते हैं तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कहता है कि वो 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा. नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन इन मे 2018 इफ द प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द ईयर एक्सीड्स 10% ऑफ द सम अश्योर्ड. एक्सीड्स 10%, तो यहां पे ये गलती हो गई. पॉलिसी का पैसा जब वापस मिलेगा, पॉलिसी जब मैच्योर होगी और पैसा मिलेगा तो वो पैसा एग्जेम्प्ट तो होगा, लेकिन शर्त ये है कि जो प्रीमियम है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जब मैंने आपको एग्जेम्प्टेड इनकम करवाया था, साथ में टीडीएस के प्रोविजन को रिलेट करा था, तो वहां पे 10% के पीछे का रीजनिंग मैंने आपको दिया था. मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क ऑफ लाइफ बढ़ जाता है. तो 10% का रोल कहाँ पे आता है, फिर 20% का रोल कहाँ पे आता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. और साथ में ये भी बताया था ये 10% और 20% वाला काम भी चिदंबरम साहब ने किया था. ये वाला काम भी चिदंबरम साहब का किया हुआ है. चिदंबरम साहब के तो बहुत सारे किस्से क्लास के अंदर डिस्कस करे हैं मैंने आपके साथ. तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है. नेक्स्ट आइटम, एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ हिज बिजनेस. अगर हम लोग क्लोजर ऑफ द बिजनेस की बात करते हैं तो क्लोजर ऑफ द एनपीएस अकाउंट की अगर हम लोग बात करें
तो क्लोजर ऑफ एनपीएस अकाउंट में आपको याद है 60% और 40% वाला रेशियो अप्लाई होता है, और साथ में आपको याद होगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 ए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो क्या ये 100% एग्जेम्प्ट है? आंसर इज नो। तो ये भी गलत है, फोर भी गलत है, वन ठीक है, टू ठीक है, थ्री एंड फोर गलत है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में होगा वन एंड टू आर करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर, वन एंड टू आर करेक्ट और बाकी का गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, नवंबर 2020 का एमटीपी है, 2 मार्क्स का। एग्जामिनर कहता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन हमने करा था। ये नवंबर 20 का एमटीपी है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये रहा, मई 20 का एमटीपी। अच्छा जी, ये देख लो हालत, मई 20 का एमटीपी और नवंबर 19 का एमटीपी सेम है, क्वेश्चन सेम आ गया, दो एमटीपीज के अंदर सेम क्वेश्चन आ गया। और स्टूडेंट कहते हैं कि एमटीपीज करके एमटीपीज में हमेशा नए क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एमटीपीज में नए क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आइए, एमटीपी ऑफ नवंबर 22 मार्क्स। एग्जामिनर कहता है श्याम सिंह स्पेंड्स 1 लाख रुपीज ऑन द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ हिज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उसने कुछ खेती बाड़ी करी है, खेती बाड़ी करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद टोटल खर्चा जो हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना या उगाया उसका क्या हुआ, 50% ऑफ द प्रोडक्शन इज सोल्ड फॉर 1,10,000 रुपये एंड रेस्ट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो खेती बाड़ी हुई उसमें से आधा बाजार में बेचा और आधा अपने खाने पीने के लिए रख लिया। तो जो आपने आधा बाजार में बेचा उसका जो सेल प्राइस है, उसका जो सेल प्राइस है वो है 1,10,000। तो उसका कॉस्ट भी तो है, टोटल कॉस्ट 1 लाख था, तो 1 लाख का 50% अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो 1 लाख का 50% कम से 50,000, दैट मीन 60,000 जो हमारे पास प्रॉफिट आया, दैट इज टू बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो 60,000 पे एग्रीकल्चर इनकम है, पॉइंट नंबर ए हमारे इसके अंदर करेक्ट आंसर आ जाता है। देन हमारे पास क्वेश्चन आया नेक्स्ट, दैट इज एमटीपी ऑफ मई 2023, लेटेस्ट एग्जाम का एमटीपी, एमटीपी नंबर 1, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस कहाँ पे है, कितना है, 3 किलोमीटर में 80,000 का की पॉपुलेशन है, ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट किया था। तो मई 2023 के एमटीपी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कहाँ गया भाई जो हमने पहले किया, कहाँ गया। हाँ ये रहा जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मई 2023 एमटीपी, ठीक। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, चलो अच्छी बात, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहे, हौसला बना रहता है हमारा। नेक्स्ट आ जाए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, जो कि दिया हुआ है आपके मई 2022 के आरटीपी के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पूछा, सर क्या यूलिप्स हमारे सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? आई थिंक नाउ यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन वेदर द यूलिप्स आर पार्ट ऑफ द सिलेबस और नॉट। आरटीपी मई 22, पिछले साल के आरटीपी के अंदर ही क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यू मस्ट हैव गॉट द आंसर वेदर दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस और नॉट। आई वुड स्टिल से कि आपको ये करके जाना चाहिए, इवन दो देर इज अ कन्फ्यूजन कि यूलिप्स का कंसेप्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, कर जाओ तो अच्छा है ना यार, उसमें कोई बहुत लंबी जोड़ी स्टोरी तो है नहीं। देन मिस्टर ए हैज टेकन 2 यूलिप्स, यूलिप एक्स वॉज इशूड ऑन 1st of January 2021 एंड यूलिप 2 या यूलिप वाई वॉज इशूड ऑन 1st of May 2021। तो बेटा जो जनवरी 21 है इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज बिफोर 1st February 2021, मतलब बजट आने से पहले की पॉलिसी है, और ये दूसरी वाली पॉलिसी जो है ये आफ्टर वाली पॉलिसी है, ये आफ्टर वाली पॉलिसी है आफ्टर 1st February 2021। और आप सबको याद है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण मैडम,
उन्होंने 2021 के बजट के अंदर, या आप ऐसे कह रही थी कि जो फाइनेंस बिल था उसके अंदर यूलिप्स को टैक्सेबल कर दिया, लेकिन कौन से यूलिप्स टैक्सेबल होंगे? वो वाले यूलिप्स जिनका जो प्रीमियम अमाउंट है वो ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या, कट ऑफ क्या है? कट ऑफ है 2,50,000 रुपये। अगर एनुअल प्रीमियम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो उनको हाई एंड पॉलिसीज कहा गया, और अगर कोई पॉलिसी का प्रीमियम 2,50,000 से कम है तो उनको लो एंड पॉलिसीज कहा गया। और इसी प्रकार से अगर एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं जो कि फरवरी 2021 के बाद हैं तो उन सबका एग्रीगेट हम लोग 2,50,000 चेक करेंगे। अब जो भी पॉलिसी फरवरी 2021 से पहले इशू की गई, बिफोर 2021 बजट, तो चाहे वो हाई एंड पॉलिसी थी या लो एंड पॉलिसी थी, सारी पॉलिसीज़ का अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा। यूलिप्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो आफ्टर बजट ऑफ 21 जो पॉलिसी इशू करी गई, अगर वो उस पॉलिसी का प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। अगर वो प्रीमियम का अमाउंट 2,50,000 से कम है तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी विल बी एग्जेम्प्ट। अब बात को मैं यहाँ से और आगे बढ़ता हूँ, और इसमें वो 10% वाला कंसेप्ट भी अप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखना आपने। तो सम अश्योर्ड ऑफ यूलिप एक्स एंड यूलिप वाई इज 30 लाख एंड 40 लाख रिस्पेक्टिवली। तो सम अश्योर्ड दे दिया 30 और 40 का, कोई बात नहीं। द एनुअल प्रीमियम विच इज पेड बाई मिस्टर ए ड्यूरिंग द प्रीवियस 2022-23 इज 3 लाख एंड 4 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 3 लाख का प्रीमियम पे हो रहा है यूलिप एक्स के लिए, जो कि बिफोर फरवरी 2021 का था। तो इसका पैसा जब भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि द प्रीमियम इज विद इन द लिमिट ऑफ 10%। लेकिन जो दूसरी पॉलिसी है उसका प्रीमियम 4 लाख रुपए का पे हो रहा है, जो कि 2,50,000 से ज़्यादा है। इवन दो दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ 10%, लेकिन 2,50,000 से ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो प्रीमियम का पैसा या मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा होगा दैट विल बी फुली टैक्सेबल, और साथ साथ में TDS के प्रोविजन भी लगेंगे 194DA सेक्शन के हिसाब से। एग्जामिनर कहता है व्हाट वुड बी द टैक्सेबिलिटी ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर ए ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बोथ पॉलिसीज। तो डिस्कस कर ही दिया है, पॉलिसी एक्स का पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, पॉलिसी वाई का पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, और जब वो टैक्सेबल होगा तो 194DA के TDS के प्रोविजन भी साथ में अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं पॉइंट नंबर ए, कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ यूलिप एक्स वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, वाइल द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द रिसीव्स ऑफ कंसिडरेशन ऑन द मैच्योरिटी पॉलिसी वाई वुड बी टैक्सेबल। तो ये वाली स्टेटमेंट तो काफ़ी हद तक ठीक लग रही है मेरे को। देन consideration received on the maturity of ulip y would be exempt, y ko ye keh raha hai exempt, ye to statement hi galat hai, aisa nahi hoga, y to taxable hai। consideration received on maturity of both x and y would be exempt, galat hai, y to taxable hai, to ye wali statement galat hai। the profit and gains from the receipt of consideration on the maturity of both ulip x and y would be taxable, galat hai, unit x to exempt rahega, to ye wali statement bhi galat ho gayi। इसका मतलब 4 में से 3 स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट 100% ठीक है, एंड 2021 का बजट के हिसाब से हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट किया है। तो यहां तक हम लोग MCQs डिस्कस कर रहे हैं किसके, एग्जेम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम के। आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपके साथ बाकी हर चैप्टर के भी MCQs डिस्कस कर रहा हूं। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक। Bye-bye.